हाई गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल वेलकम बैक टू अनादर वीडियो आई होप यूंगा मीशो जूलरी हॉल हम फेस्टिव सीजन आए और मैं जाके मीशो पे जूलरी शॉपिंग ना करूं ऐसा तो हो ही नहीं सकता लास्ट ईयर भी मैंने एक जूलरी हॉल शेयर किया था जिसमें आई गॉट रियली रियली बिग स्टेटमेंट योरिंग पीसेस फ्रॉम मीशो एट सच एन अफोर्डेबल प्राइस वो वीडियो में लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में भी आई बटन में भी आप चेकआउट कर सकते बट आज की वीडियो में मैंने मीशो से मंगाए हैं ज्वेलरी सेट्स क्योंकि मेरे पास इयर रिंग्स तो काफी ज्यादा हो गए थे बट आई डिड नॉट हैव सेट्स तो कभी कभी वेन आई शूट डिफरेंट काइंड ऑफ लुक्स तो मेरे पास नेक पीसेस की बहुत कमी हो जा रही थी सो दैट इज वाई आई गॉट जूलरी सेट्स दिस टाइम बहुत ज्यादा डेंटी और एलिगेंट से लेकर एकदम हैवी ब्राइडल पीसेज मैंने मंगाए हैं एंड एवरी थिंग इज अंडर अ बजट सो येस इफ यू इंटरेस्टेड कीप अर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी वेरी एंड बट इफ यू न्यू टू माई चैनल टेक अवर मोवमेंट हिट दैट रेट सब्सक्राइब बटन नाउ विदाउट एनी फर्दर ब्लावरिंग राइट इन टू द विडियो तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम इस एकदम सिंपल से पीस के साथ तो ये मैंने मंगवाया है एक पर्ल सेट जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल और एलिगेंट सा है बट आई डिड नॉट हैव एनी थिंग इन पर्ल एंड पर्ल लुक्स सो क्लासी लाइक इवन इस कुर्ती के साथ ये इतना ज्यादा सुंदर लग रहा है जिस इट पर्ल्स नेवर गो आउट ऑफ फैशन ये इतना सुंदर लग रहा है आप सिंपल कुर्ती के साथ सारी इसके साथ इसको पहन सकते हो बहुत अच्छा लगेगा एंड इसमें यहाँ से आप देखोगे तो छोटे छोटे पर्ल्स हैं एंड देचे सेंटर में आते आते पर्ल्स का साइज बड़ा हो जाता है एंड देन ऊपर फिर छोटे छोटे पर्ल्स है सो दिस इज सच ए क्लासी एंड एलिगेंट पीस एंड इसके साथ बहुत छोटे से एकदम पॉल के स्ट आते हैं ऐसे फ्लावर शेप के

Again, ये वही ही रोज गोल्ड वाला पैटर्न है एंड ये काफी ज्यादा सुंदर लगती है तो आप इसको किसी भी गाउन के साथ पहनो तो अच्छा लगेगा इवन विथ इंडियन वेयर दिस विल लुक वेरी वेरी नाइस इट इज अ वेरी वेरी प्रिटी पीस इफ यू डोंट लाइक हैवी जूलरी यू कैन डेफिनेटली चेक दिस वन आउट नेक्स्ट इज ऑल्सो अ पीस सिमिलर टू दैट वन बट आई लव दिस आउट ऑफ द लॉट एंड इट इज दिस ए डी वाला सेट तो मेरे पास जितनी भी सिल्वर जूलरीज है ना वो सारी जंग जूलरीज है आई डो नॉट है ऐसा अमेरिकन डायमंड वाले सेट में

बट मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगा बिकॉज पीसेज लाइक दिस अगैन दे नेवर गो आउट ऑफ फ़ैशन बट ये साड़ीज़ वगैरह के साथ काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है एंड एज आई सेट पर्ल्स नेवर गो आउट ऑफ फैशन सो आई जस्ट वॉन्टेड टू हैव अनादर पर्ल पीस एंड ईयर रिंग्स तो आई कैन ऑफकोर्स मिस इन मैच तो ये वाला पीस भी मुझे काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगा अगर आप पास से देखोगे तो इसमें पर्ल्स के बीच में ऐसे गोल्डन बीच भी हैं सो इट इज अगेन अ वेरी वेरी वर्सेटाइल पीस आपको इसको काफी सारे डिफरेंट वेज में स्टाइल कर सकते हो नेक्स्ट मेरे पास है कुंदन सेट जो मैंने मंगाया है वन हंड्रेड एंड सिक्स रुपीज का Now, बाकी सब की ना बाकी सबकी ना क्वालिटी काफी अच्छी है इसकी क्वालिटी थोड़ी सी लाइट है मतलब इट इज वेरी वेरी लाइट वेट मतलब इसमें कुछ भी ऐसा हैवी फील नहीं हो रहा है बट इट लुक्स रियली प्रिटी आपको इसके बॉर्डर्स में भी छोटे तो छोटे दिखेंगे एंड देन सेंटर में भी इट हैज अ डायमंड एंड इट इज सिल्वर बेस में सो इट विल रियली लुक वेरी वेरी प्रिटी और इसके साथ ना केवल दो इयर बट एक मांगटी का भी आता है तो आप इसको बहुत ही अच्छे से किसी भी साड़ी के साथ स्टाइल कर सकते हो अनारकली के, के साथ स्टाइल कर सकते हो मतलब अगर आपको फेस्टिव पूरा फील्स चाहिए विद नेकलेस मांग टीका एंड ईयर रिंग बट यू डू नॉट वॉन्ट टू यू नो गो ओ ओवर बोर्ड तो आप ज़रूर इसको चेकआउट कर सकते हो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है बट येट इट विल एलिवेट योर लुक नेक्स्ट मेरे पास है एक चोकर सेट जो मैंने सिर्फ और सिर्फ वन थर्टी सेवन रुपीज़ का मंगाया है एंड दिस इज़ सच अ गुड क्वालिटी लाइक लुक एट दिस चोकर इसका डिज़ाइन कितना ज्यादा सुंदर और एलिगेंट है एंड इसमें साइड में भी ऐसी चेन है तो ओवरऑल इसका लुक बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है जस्ट लुक एट इट आप इसको किसी भी साड़ी के साथ स्टाइल कर सकते हो किसी भी पीस के साथ आप इसको स्टाइल कर सकते हो इसका जो uh, डिज़ाइन है ना वो बहुत ज़्यादा एलिगेंट है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया एंड इसके साथ आपको ईयर मिलते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा क्यूथ सी से हैं तो इन ईयर को तो मैं दो तीन बार बिना नेकलेस के भी पहन चुकी हूँ सो आई रियली रियली लाइक इट एंड फॉर जस्ट वन थर्टी इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है डज़ नॉट फील सुपर लाइट और इट डज़ नॉट फील दैट चीप फ्लिमजी वाला क्वालिटी, क्वालिटी, क्वालिटी

ये कितनी सुंदर लग रही है लाइक like, इसको अगर आप आ, फेस्टिव में भी पहन लेते हो ना दिवाली वगैरह पे या किसी की शादी पे क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन आ रहा है तो आप बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप नहीं लगोगे बिकॉज ऑफ हाउ डेलीकेट दिस नाथ इट डज नॉट लुक हैवी एट ऑल एंड ये आपके लुक को इतने अच्छे से एलिवेट कर देगी बिकॉज दिस विल बी द मोस्ट डेलीकेट स्टेटमेंट ऑफ योर लुक इफ आई मे से सो बट यस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई एंड इट इज़ लाइक वन ऑफ माई फेवरेट्स सो फर्स्ट वन अगेन इज वेरी वेरी अफोर्डेबल ये कुछ इस तरीके का दिखता है इट इज़ लाइक अ टेम्पल ज्वेलरी ऑफ सॉथ्स अगैन जैसे साउथ इंडियन लोग पहनते हैं ना अपनी शादी वगैरह में उस टाइप की ये ज्वेलरी है बिकॉज uh, इसमें ना थोड़ा मतलब भगवान जी जैसे बने हुए हैं सो आई थिंक इट इज़ अ टेम्पल ज्वेलरी एंड इसके साथ ये वाले दो छोटे छोटे सी इयर आते हैं इयर में एज सच कोई भी बीज नहीं है जैसे इसमें रेड एंड ग्रीन कलर के uh, नग लगे हुए हैं इयर रिंग्स ऑफ प्योर गोल्ड बट uh, हाँ ये पीस भी काफी ज्यादा सुंदर लगता है आप अगेन इसको साड़ीज वगैरह के साथ स्टाइल कर सकते हो ये काफी अच्छा लगेगा एंड इसकी जो बेस्ट चीज है वो ये है कि जो इसके इयर हैं वो बहुत ज्यादा हैवी नहीं है तो वो आपके ईयर पे पुल नहीं करोगे लाइक आई वोन दिस झुमका ये इससे भी ज्यादा हल्के हैं इसके जो गोल्डन वाले ईयर रिंग्स हैं तो काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं एंड आप इवन uh, ईयर को विदाउट द नेकलेस भी पेयर कर सकते हो अब जो नेक्स्ट दो सेट आने वाले हैं वो मेरे फेवरेट सेट्स हैं एंड ये वाला तो मतलब इट वॉज लाइक अ स्टील डील बिकॉज आई जस्ट शो यू इसमें कितने सारे पीसेज हैं एंड कितना एलिगेंट ये सेट है एंड आई जस्ट गॉट इट फॉर टू सेवेंटी फोर रुपीज इट इज़ अ फुल ब्लोन राजस्थानी ज्वेलरी सेट लुक एट दिस रिंग ये पूरा मतलब ग्रीन में है इसमें एक कलर रेड भी था बट आई वॉन्टेड समथिंग डिफरेंट तो मैंने ग्रीन वाला लिया देन वी हैव दिस ब्यूटिफुल नेक पीस जिस लुक एट हाउ प्रिटी इट लुक्स ओ माई गोड आई एम ओप्स सेज विद दिस येस इट इज़ अ बिट लाइट वेट इसमें उतना ज़्यादा वज़न नहीं है बट ठीक है इस प्राइस में आप क्या ही मांगोगे बट इट लुक्स वेरी वेरी प्रिटी इट इज़ नॉट एट ऑल चीप क्वालिटी क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है बस उतना ज़्यादा इसमें वज़न नहीं है बट हाँ ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है मुझे बहुत पसंद आया इसके साथ आपको दो ईयर भी मिलते हैं एंड ईयर में ऐसा पिकॉक जैसा डिज़ाइन है एंड नीचे ये झालर सी लटक रही है सो तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं ईयर इसके साथ आपको मिलता है मांग टीका मांग टीका भी कुछ सिंपल सा तो नहीं है वी हैव अ बोर्डला विद माथा पट्टी और शीश पट्टी आई डोंट नो व्हाट दिस वन इज कॉल्ड इस तरीके का लगेगा पहन के एंड मुझे ये कितना ज़्यादा पसंद आया है मैं आपको बता भी नहीं सकती आई वॉज लुकिंग फॉर अ गुड बोरला, बिकॉज मुझे ये बोर्ला वाला मांगटिका ना काफ़ी ज़्यादा पसंद है एंड मेरे पास कुछ ऐसा था नहीं तो इसलिए मैंने ये मंगाया है बिकॉज आई एम प्लानिंग टू डू लाइक अ राजस्थानी लुक तो उसके लिए मैंने ये मंगाया है ऑल दो आई एम नॉट एबल टू फाइंड अ राजपूती पोशाक कहीं पर भी मुझे राज, राजस्थानी पोशाक नहीं मिल रही है तो आप मुझे प्लीज़ नीचे लिंक करके बताना इफ़ यू नो समवेयर दैट आई कैन बाई इट फ्रॉम एंड इसके साथ आई है ये राजस्थानी ना तो my god this is so pretty

तो मैंने मेनली शूट के पर्पज से ही मंगाया एंड ऑल्सो देर इज़ द वेडिंग सीजन कमिंग अप एंड ये वहाँ पे यूज़ हो जाएगा मेरा या फिर मम्मी का एंड करवा चौथ पर भी यूज़ हो जाती है ऐसी हैवी ज्वेलरीज सो आई वॉन्ट टू टू हैव लाइक अ फुल सेट मतलब मुझे ऐसा लगा था कि मीशो से मैं ये मंगाते रही हूँ इट विल लुक नाइस एंड ऑल बट आई डिड नॉट एक्सपेक्ट इट टू बी दिस गुड क्वालिटी लाइक लुक एट द डिज़ाइन एक एक नग इसमें इतनी सुंदर तरीके से जड़ा हुआ है ओ माइको गॉड आई स्ड विथ दिस सेट इट लुक्स वेरी वेरी प्रिटी एंड ये काफ़ी हैवी है एंड इसके साथ ऑफकोर्स आपको मिलते हैं दो ईयर रिंग्स इयर रिंग्स का भी डिज़ाइन सेम ही है दे लुक नाइस देन वी गेट अ मांग टीका एंड दिस इज़ वथ द टीका लुक्स लाइक एंड वी ऑल्सो गेट अ नथ क्योंकि नथ के बिना तो ब्राइडल ज्वेलरी इनकम्प्लीट ही है नत तो मैं आपको पहन के दिखाती हूँ एंड दिस इज़ लाइक माई बार बी वर्ल्ड विथ सो मेनी नत इट इज़ सो प्रटी आई लव दिस नत मुझे तीनों ही नत काफ़ी ज़्यादा पसंद आई एंड दिस वन इज़ अगैन वेरी वेरी प्रिटी इसमें थोड़ा सा वर्क है जैसे मेरी जो पहली वाली नत थी वो एकदम ही प्लेन है इसमें थोड़ा सा काम है सो इट इज़ डिफरेंट एंड इट लुक्स वेरी वेरी प्रटी सो येस इफ़ यू आर लुकिंग आउट फॉर अ ब्राइडल सेट अंडर अ बजट यू शुड एब्सोल्यूटली चेक दिस वन आउट एंड यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड इट लुक्स वेरी प्रिटी डिज़ नॉट लुक चीप एट ऑल एंड यू विल नॉट रिग्रेटेड तो इसकी भी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ तो आप ज़रूर चेकआउट करना ओ एन आई कम्प्लीटली फोकआउट अबाउट दिस सेट जो मैंने फिर से मीशो से ही मंगाया था बिकज़ आई वॉज डूइंग लाइक एन एंगेजमेंट लुक का शूट तो मुझे उसके लिए चाहिए था बट आई वॉज नॉट वेरी श्योर कि ये अच्छी क्वालिटी का आएगा कि नहीं बट लुकेटेड इट लुक्स सो Pretty, regal and like, इतना सुंदर ये लगता है पीस एंड इट इज हैवी लाइक इट इज़ नॉट लाइट वेट एट ऑल काफी ज्यादा ये सुंदर पीस है अगर आपकी इंगेजमेंट हो रही है उसके लिए आपको ज्वेलरी चाहिए ना आप ये वाला सेट जरूर चेकआउट करो बिकॉज इट इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी एंड इसके साथ ऐसे ईयर रिंग्स आते हैं ईयर रिंग्स को आप अकेले भी पहन सकते हैं एंड नॉट ओनली दैट इट ऑल्सो कम्स विद टीका एंड द टीका

आपको आज का वीडियो अच्छा लगाओ हेल्पफुल हो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आई यू सुपर सुपर सून इन माय नेक्स्ट वीडियो देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी बाय बाय